हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, आज मैं जा रहा हूं घूमने टी गार्डन धर्मशाला। तो धर्मशाला के टी गार्डन में आज आपको बताऊंगा कि क्या क्या देखने लायक चीज़ें हैं वहाँ पे, और वहाँ पे कैसा कैसा माहौल है, कैसा व्यू है वहाँ पे, कैसा इन्वायरमेंट है। तो आपको आज उनके बारे में सारा कुछ बताऊँगा मैं, जो भी हो सके व्यू, अच्छे अच्छे व्यू बताऊँगा। तो चलिए, बने रहिए मेरे साथ, आगे दिखाते हैं अब आपको। देख सकते हैं हम टी गार्डन के आसपास पहुंच चुके हैं, और ये टी गार्डन है, देख सकते हैं धर्मशाला का टी गार्डन किस तरह का है। बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप कितना अच्छा यहाँ पे नीट एंड क्लीन जो इन्वायरमेंट है वो फील हो रहा है हमें यहाँ पे, देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। वाह, कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं गर्मी के टाइम में। अभी भी 3-4 दर्शक आए हुए हैं। उतर जाओ यहाँ पे, अब बस पहुँच गए टी गार्डन के पास हम। तो गाइस, देख सकते हैं आप, ये है धर्मशाला का टी गार्डन, देख सकते हैं आप। यहाँ पे लोग जो है घूमने के लिए आए हुए हैं, यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। और इस तरफ देख सकते हैं आप, ये नज़ारा है। यहाँ पे आगे मंदिर भी है कुणाल पथरी का, वहाँ पर भी जाएँगे हम, आपको दर्शन करवाएँगे माता के। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट है, ये है आपका टी गार्डन में। तो गाइस, यहाँ पे मैं बीचों बीच हूँ इस टाइम टी गार्डन के। तो गाइस, देख सकते हैं आप, यहाँ पे मौसम वैसे धूप का भी है, यहाँ पे धुंध जो वो बड़ी जल्दी पड़ जाती है यहाँ पे धर्मशाला में। तो देख सकते हैं ये धुंध पड़ चुकी है यहाँ पे अभी, और थोड़ी देर पहले यहाँ पे धूप भी लगी थी, और उससे पहले बारिश भी लगी थी। तो बारिश का यहाँ पर कोई पता नहीं होता कब बारिश लग पड़े और कब यहाँ पर धूप लग पड़े। तो देख सकते हैं आप किस तरह का टी गार्डन है, बहुत ही अच्छा अद्भुत है। और यहाँ पर देख सकते कितना ग्रीन है, बिल्कुल देखने लायक है, बिल्कुल देख सकते हैं आप। तो गाइज, मैंने आपको टी गार्डन दिखा दिया धर्मशाला का, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और मेरा फ्रेंड भी आ गया, तो चलो अब हम मंदिर चलते हैं। आगे कुणाल पथरी का मंदिर है वहाँ पे, तो मंदिर दिखाएंगे आपको, वहाँ का व्यू दिखाएंगे और मंदिर के बारे में भी बताएंगे, अगर हमें कुछ जानकारी मिलेगी मंदिर के बारे में। मंदिर तो से आधा किलोमीटर आगे है। तो गाइस, यहाँ पे आपको धर्मशाला का टी गार्डन दिखा दिया है, अब हम जा रहे हैं कुणाल पथरी के टेंपल में। तो यहाँ से है ये ऐतिहासिक प्राचीन श्री दुर्गा का माता का मंदिर है, देख सकते हैं आप। यहाँ से केवल 500 मीटर की दूरी पर है ये मंदिर। तो चलिए, बने रहिए, अब आगे दिखाते हैं आपको मंदिर का व्यू। यहाँ पे अब हम मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, और मंदिर पे हम प्रसाद लेके माता रानी के लिए। गाइज, मैं यहाँ पे कुणाल पथरी मंदिर के पास पहुँच चुका हूँ। ये है कुणाल पथरी माता का मंदिर, ये देख सकते हैं आप, कितना एक प्राचीन मंदिर है ये, काफ़ी अद्भुत मंदिर है ये, देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ पे जो भी लिखा होगा। मैं जल्दबाजी में थोड़ा पढ़ नहीं पाऊँगा, आप खुद पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं आप मंदिर, और मंदिर के आसपास का जो व्यू है वो आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, बारिश लगी हुई है यहाँ पर हल्की हल्की सी। ये लंगर हॉल है, देख सकते हैं आप। और ये है माता का मंदिर, देख सकते हैं, नीचे से दिखाते हैं आपको।
तो ये है मंदिर का अंदर का गेट। अंदर फोन अलाउड नहीं होगा तो मैं आपको अंदर का दृश्य जो वो दिखा नहीं पाऊँगा, तो बाहर से ही दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से ये पेंटिंग की हुई है, कितनी अच्छी है, देखने लायक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अंदर दर्शन कर लेता हूँ माता के, उसके बाद मिलते हैं अब आपसे। तो गाइज, ये था आज का ब्लॉग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन आते रहें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।